नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं सीटी रवि। हमेशा उनके बयान सामने आते रहते हैं, कई बार अभद्र टिप्पणी भी कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसके पक्ष में बयान देने से पीछे नहीं हटते। जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफा देने के बाद जनता की भी राय आने लगी, उद्धव ठाकरे भी काफी भावुक थे, तो यहां सीटी रवि का भी बयान आता है। सीटी रवि क्या बात कह रहे हैं आज मैं आपको बताता हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर, आखिर भारत की राजनीति क्या है, संविधान क्या है, यह सीटी रवि की बातों से स्पष्ट हो जाता है। सीटी रवि ने कहा कि आपने हिंदुत्व के साथ धोखा किया है। हिंदुत्व के साथ धोखा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना करना हिंदुत्व के साथ धोखा है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करना हिंदुत्व के साथ धोखा है, समझिएगा इस बात को। और यदि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के हित की बात करते हैं, और हित तो आप छोड़िए, यदि उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं या बोलते हुए नजर आते हैं, तो यह हिंदुत्व के साथ धोखा है। देखिए, यह हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है। सीटी रवि जैसे लोग इस तरह के बयान देते हैं जिससे हिंदुत्व का एक अलग स्वरूप सामने आता है। सीटी रवि की बातों से यह स्पष्ट होता है कि असल में हिंदुत्व वह है जहां अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उनके धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वह हिंदुत्व है। यदि उसके खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है तो वह हिंदुत्व के साथ धोखा है। यानी कि सीटी रवि के अनुसार कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी पार्टी है, एनसीपी हिंदुत्व विरोधी पार्टी है, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार हिंदू नहीं है, और यदि है भी तो नाम मात्र के हिंदू हैं, क्योंकि वह तो हिंदू विरोधी है, तो एक हिंदू हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है। तो यदि आज के समय में आप भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो आप राष्ट्रभक्त भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, हिंदुत्व के साथ आप धोखा नहीं कर रहे। यदि बीजेपी की गाइडलाइन के साथ चलते हैं, यदि बीजेपी की गाइडलाइन से आप अलग हो जाते हैं या आरएसएस की गाइडलाइन से अलग हो जाते हैं तो आप हिंदुत्व के साथ धोखा कर रहे हैं। यदि बीजेपी के नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है, यदि आप उसके खिलाफ बोल जाते हैं तो आप देशद्रोही हैं और आप हिंदुत्व के साथ धोखा कर रहे हैं। यह आज एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है जो कि तंज उद्धव ठाकरे पर कसा जा रहा है। तो क्या वाकई में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हिंदुत्व के साथ धोखा है? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देना हिंदुत्व के साथ धोखा है? यह बहुत बड़ा आरोप है हिंदुत्व पर। यदि कोई भी किसी भी धर्म की हम बात करते हैं तो वह सभी धर्मों के साथ बराबरी का सलूक करने का ही आदेश देता है। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि आप किसी भी धर्म के साथ बस सलूकी करें, दुर्व्यवहार करें उसके लोगों के साथ। तो यदि आप भाजपा की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो किसी धर्म के साथ अहित करना ही हिंदुत्व है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाए रखना ही हिंदुत्व है, इसके खिलाफ जाते हैं तो आप हिंदुत्व के खिलाफ हो जाते हैं। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।